नमस्कार असल, सभी का स्वागत है। बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आया, एक तरह से इनको बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो देखिए, इसको ना आप पूरा डिटेल में समझना और ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बड़ा हुआ है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की ने दो सब्सिडियरी कंपनी है। पहला समझ लीजिए जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी 16 लिमिटेड, दूसरे का नाम है जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी 13 लिमिटेड। ये दो एक कंपनियाँ जिनको ना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। मतलब शॉर्ट फॉर्म इसको समझिए, MSEDCL प्रभा, ये शॉर्ट फॉर्म कंपनी का नाम है, मतलब सरकारी कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इसमें ना पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया गया, जो कि ना दो प्रोजेक्ट है, जो कि एक इसको दिया गया, एक इसको दिया गया। इसमें क्या है, तो सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट है इनको करना है, जो कि एक 600 मेगावाट का रहेगा, दूसरा 600 मेगावाट का रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, 1200 मेगावाट का इनको पूरा प्रोजेक्ट मिला है, सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट, जिसमें कंपनी जो है एक तरह से ना 25 साल का ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, और 3.60 पर किलो वाट के हिसाब से टैरिफ रेट पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया गया। तो काफ़ी बड़ा डील था, जिस वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए था। जैसे यहाँ आप देख रहे हो ना, गिरावट मिल रहा है, तो अच्छा मूवमेंट देखना मिलना चाहिए था, मगर स्टॉक में गिरावट चल रहा है। ऐसा क्यों है, तो देखिए हर वक्त ना मार्केट कब भागता है और कब न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, जब ना स्टॉक ना एक हायर हाई पैटर्न में मूव कर रहा हो। हायर पैटर्न मूव करता ना, अगर 100 करोड़ का भी ऑर्डर मिलता ना, तभी ब्लास्ट कर जाता। मगर यहाँ पे क्या, एक सेलिंग प्रेशर है, कई लोग ना सेल कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारे पास एक मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, जो कि 640 रुपये का। पिछले बार भी जब ऑर्डर मिला था, तभी भी बताया था कि ट्रेंड नेगेटिव है, ऑर्डर के दम पे अपना यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट मत बनाइएगा। तो 670 पे ट्रेड कर रहा, थोड़ा वेट करिए। यहाँ पे ना मल्टीपल सपोर्ट लेवल है 640 रुपये, यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पर अगर रिकवरी बनाना चालू करता है, जैसे यहाँ देख रहे हो ना एक लोअर लो पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ से अगर अपसाइड का मूवमेंट बनाता है तो पहला टारगेट रहेगा 720 का रहेगा। एक बार ये लेवल ब्रेकआउट कर लेता तो ये पैटर्न हायर है पैटर्न में चेंज हो जाएगा, तो दूसरा टारगेट बनेगा वो है 800 रुपये का। लॉन्ग टाइम का अगर व्यू रखते हो तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनके पास ना मल्टीपल ऑर्डर है, और लगभग 2 महीने से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सारे ऑर्डर जो है ना महाराष्ट्र के अंदर ही मिल रहा है इनको। तो अच्छा ट्रेंड हमको फॉलो होते हुए भी देखने को मिल सकता है लॉन्ग टाइम में। तो सारे कंडीशन आपको बता दिया हूँ, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बैसल को रिकमेंडेशन है, जय हिंद।